कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाबानो। पहला मौका मिला और मोदी ने शाबानो केस का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते देते मोदी ने देश को फिर दिखाया कि कांग्रेस किस हद तक मुसलमानों के तुष्टीकरण की मुरीद रही है। शाबानो का जब चल रहा था तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वॉन्ट टू लाई इन द गटर लेट देम बी। मोदी ने आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र किया, उन्हीं आरिफ खान का जिन्होंने शाहबानो केस में मतभेद के चलते कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया। आरिफ खान ने पार्टी के फैसले की मुखालफत की थी। आज 27 साल बाद मोदी ने आरिफ खान को आगे कर कांग्रेस को फिर कटघरे में खड़ा किया। पीएम ने जो कुछ कहा उसे आरिफ भी सच बता रहे हैं। 1986 की जो घटना है जो उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है शाहबानो केस को, और नरसिम्हा राव जी ने आके मुझसे कहा कि अब तो शाहबानो ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई हम मुसलमानों के सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, तुम काहे के लिए इस्तीफा दे रहे हो। ये उनका कहने का कि वो वोटर समझो उनको, तुम कोई मुझसे कह रहे थे वो कि कांग्रेस पार्टी रिफॉर्मर नहीं है। तो जो कहानी अतीत के पन्नों में दफन हो गई थी उन्हें मोदी ने फिर से खोल दिया। मुसलमान फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। शायद बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि मुसलमानों की सच्ची हिमायती पार्टी वही है जो तीन तलाक जैसे सामाजिक बेड़ियों से मुसलमानों को आजादी दिलाएगी, वही है जो मुसलमानों की सेहत शिक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगी। इसलिए आरिफ खान का जिक्र हो रहा है।